स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? ए. साइरस एस. पुनावाला, बी. गौतम अदानी, सी. मुकेश अंबानी, डी. शिव नादर। आंसर बी. गौतम अदानी। एक्सप्लेनेशन: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में भारत के अरबपतियों की नई लिस्ट जारी की गई है। पहली बार इस लिस्ट में भारत के 300 से ज्यादा अरबपतियों को शामिल किया गया है। वहीं इस बार लिस्ट में 102 NRI भी हैं। गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी संपत्ति 95% बढ़कर लगभग 11.6 लाख रुपए करोड़ हो गई। अगला प्रश्न: उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया? ए. कासिमपुर हॉल्ट, बी. अकबरगंज, सी. मिसरौली, डी. जायस। आंसर डी. जायस। एक्सप्लेनेशन: 27 अगस्त 2024 को रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए। उत्तर रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन को अब जायस सिटी रेलवे स्टेशन, जायस को गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली को माँ कालिकिन धाम और बानी को स्वामी परमहंस के नाम से जाना जाएगा। जायस रेलवे स्टेशन के पास गुरु गोरखनाथ धाम आश्रम है, इस वजह से स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न: 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? ए. 30%, बी. 35%, सी. 40%, डी. 50%। आंसर सी. 40%। एक्सप्लेनेशन: 8 कोर सेक्टर उद्योगों का सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन क्षेत्रों का भार 40% है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP एक संकेतक है जो किसी निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में हुए बदलाव को मापता है। ये सरकार के लिए नीति नियोजन और विश्लेषण के लिए अहम है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO इसे मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न: किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? ए. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बी. ओडिशा और पश्चिम बंगाल, सी. तमिलनाडु और कर्नाटक, डी. केरल और महाराष्ट्र। आंसर ए. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन: तेलुगु भाषा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। ये देश की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तेलुगु भाषा की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। इसकी जड़ें द्रविड़ भाषा परिवार में हैं। तेलुगु भाषा दिवस हर साल 29 अगस्त को तेलुगु कवि गिदुगु वेंकट रामूर्ति की जयंती के दिन उनके योगदान और सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न: पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? ए. भारोत्तोलन, बी. निशानेबाजी, सी. एथलेटिक्स, डी. तीरंदाजी। आंसर बी. निशानेबाजी। एक्सप्लेनेशन: पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पदकों का खाता खुल गया है। शूटिंग में अवनी लेखरा ने इतिहास दोहराते हुए 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SHA इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं मोना अग्रवाल ने 228.7 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। अवनी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंकों के साथ नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया। किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया? ए. उत्तर प्रदेश, बी. पश्चिम बंगाल, सी. महाराष्ट्र, डी. असम। आंसर बी. पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन: ममता बनर्जी की सरकार ने आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपराजिता बिल को पारित कर दिया। ये बिल भारतीय न्याय संहिता BNS में कुछ प्रावधानों को संशोधित करता है और बलात्कार तथा बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में दंड को और कठोर बनाता है। विधेयक में रेप के दोषियों की सजा साबित होने पर 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान है। इसके तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अगला प्रश्न: साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. भारत, डी. इंग्लैंड। आंसर डी. इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन: ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल लॉर्ड्स इंग्लैंड में खेला जाएगा। एकमात्र टेस्ट 11 से 15 जून 2025 तक प्रतिष्ठित लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो 16 जून आरक्षित दिन के रूप में उपलब्ध होगा। ये पहली बार होगा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र 2019 और 2021 के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न: पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ए. निशानेबाजी, बी. जेवलिन थ्रो, सी. बैडमिंटन, डी. टेबल टेनिस। आंसर बी.
जेवलिन थ्रो एक्सप्लेनेशन। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो F64 फाइनल इवेंट में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 70.59 मीटर की अविश्वसनीय थ्रो के साथ टोक्यो पैरालंपिक में 68.55 मीटर बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना मेडल बरकरार भी रख लिया। अगला प्रश्न, नितेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ए टेबल टेनिस, बी तीरंदाजी, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। आंसर सी बैडमिंटन। एक्सप्लेनेशन। भारत के नितेश कुमार ने 2 सितंबर को पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18, 21, 23, 21 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 29 वर्षीय भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने खिताब जीतने में 1 घंटे और 20 मिनट का समय लिया, जिससे SL3 वर्ग स्पर्धा में भारत का दूसरा लगातार स्वर्ण पदक सुनिश्चित हुआ। अगला प्रश्न, 2024 में 133वां इंडियन ऑल डूरंट कप फुटबॉल किस टीम ने जीता? ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, बी मोहन बागान सुपर जॉइंट, सी केरला ब्लास्टर्स FC, डी बेंगलुरु FC। आंसर ए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। एक्सप्लेनेशन। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 31 अगस्त 2024 को पेनल्टी पर गत चैंपियन मोहन बागान सुपर जॉइंट को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर 133वां इंडियन ऑल डूरंट कप जीता। डूरंट कप की शुरुआत 1888 में हुई थी और इसका नाम सर मोर्टिमर डूरंट के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। ये टूर्नामेंट पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए आयोजित किया जाता था, लेकिन बाद में नागरिक टीमों को भी भाग लेने की अनुमति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? ए 73वें, बी 74वें, सी 75वें, डी 76वें। आंसर सी 75वें। एक्सप्लेनेशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया गहरे नीले रंग का ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्ततो जय अंकित है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। गहरे नीले रंग का ये प्रतीक चिन्ह न्यायालय की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर बी 4। एक्सप्लेनेशन। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों SJVN, सौर ऊर्जा निगम, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया। भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 रेलटेल, SJVN और NHPC सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही हैं। नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। अगला प्रश्न, BCCI ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया? ए अजय रात्रा, बी संजय बांगर, सी दिनेश कार्तिक, डी MS धोनी। आंसर ए अजय रात्रा। एक्सप्लेनेशन। BCCI ने हाल ही में भारत के पूर्व विकेटकीपर अजय रात्रा को 5 सदस्यीय पैनल में सलिल अंकोला की जगह पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। सभी 5 चयनकर्ता अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और रात्रा अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? ए निशानेबाजी, बी जेवलिन थ्रो, सी तैराकी, डी ऊंची कूद। आंसर डी ऊंची कूद। एक्सप्लेनेशन। शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने 3 सितंबर को पुरुषों की ऊंची कूद 63 स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीता। भारत ने पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अभी तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य के साथ 20 पदक जीत चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है? ए USA, बी नेपाल, सी फ्रांस, डी रूस। आंसर सी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन। भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए यूरोप में अपनी पहली तैनाती के तहत फ्रांस में एयरबेस 125 स्ट्रेसले ट्यूब पर उतरा है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां किया? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़,
सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का बुधवार को उद्घाटन किया। विश्व शांति बुद्ध विहार में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा का वजन 520 किलोग्राम और ऊंचाई 10.5 फुट है। अधिकारियों ने कहा कि यह बुद्ध विहार पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थापित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। अगला प्रश्न, किस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। आंसर ए ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़े पावर प्ले स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पावर प्ले में 113/1 रन बनाकर यह खास उपलब्धि हासिल की। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 25 गेंदों में 80 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। साउथ अफ्रीका ने साल 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पावर प्ले में 102 रन बनाने का कारनामा किया था, लेकिन ट्रेविस मिचेल की तूफानी पारियों ने इसे तोड़ दिया। अगला प्रश्न, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? ए श्रीकांत विश्वनाथन, बी सिद्धार्थ अग्रवाल, सी नीरज चोपड़ा, डी सतीश कुमार। आंसर बी सिद्धार्थ अग्रवाल। एक्सप्लेनेशन, बेंगलुरु के 49 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए। उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। यह उपलब्धि 2018 में 46 साल की उम्र में श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देती है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक संकरी शाखा है जो इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करती है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ए बोत्सवाना, बी युगांडा, सी वियतनाम, डी पेरू। आंसर ए बोत्सवाना। एक्सप्लेनेशन, कनाडा की एक खनन फर्म ने बोत्सवाना के कोरोवे खदान में 2492 कैरेट की हीरा खोजा है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। इसे कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड ने खोजा है। बोत्सवाना दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। यहाँ दुनिया के 20% हीरे का उत्पादन होता है। कुलिनन डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। इसे वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खदान में खोजा गया था। ये 3106 कैरेट का है। इसे अलग अलग 9 टुकड़ों में काटा गया था। इनमें से कई टुकड़े ब्रिटेन के शाही मुकुट में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए स्वर्ण। एक्सप्लेनेशन, धर्मवीर और प्रणव सूरमा ने 4 सितंबर को पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों के क्लब थ्रो F51 वर्ग में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते, जिससे खेलों में एथलेटिक्स में भारत ने पहली बार पहला और दूसरा पोडियम स्थान हासिल किया। 35 वर्षीय धर्मवीर ने सटे डी फ्रांस में अपने 5वें प्रयास में 34.92 मीटर के एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। क्लब थ्रो ओलंपिक में हैमर थ्रो के जैसे ही एक पैरालंपिक प्रतियोगिता है। 19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। आंसर ए बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेनेशन, गणेश चतुर्थी को 19वीं सदी के अंत में प्रमुखता मिली। गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के मकसद से गणेश उत्सव मनाते थे। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न, यूपी सरकार कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी नोएडा, डी कानपुर। आंसर ए वाराणसी। एक्सप्लेनेशन, यूपी सरकार वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। कला संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। ये 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या संस्थानों पर प्रकाश डालते हुए वैदिक साहित्य के विकास को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जीन कैस्टेक्स, बी मिशेल बानिया, सी ए डॉट फिलिप, डी इमैनुएल मैक्रोन। आंसर बी मिशेल बानिया। एक्सप्लेनेशन,
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के कार्यालय ने 5 सितंबर 2024 को मिशेल बानिया को नया प्रधानमंत्री नामित किया है। बानिया यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेग्जिट वार्ताकार रहे हैं। उन्होंने 2016 से 2021 तक यूरोपीय संघ ईयू और ब्रिटेन के बीच ब्रेग्जिट पर वार्ता की थी। यह नियुक्ति 2 महीने पहले हुए चुनाव के बाद की गई है। 73 वर्षीय बानिया फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गैब्रियल एटल का स्थान लिया है, जो सबसे युवा थे। एटल ने 16 जुलाई को चुनावों में त्रिशंकु संसद आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न, तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए मरियप्पन थंगावेलु, बी देवेंद्र झाझरिया, सी हरविंदर सिंह, डी दीपा मलिक। आंसर सी हरविंदर सिंह। एक्सप्लेनेशन, हरविंदर सिंह ने 4 सितंबर 2024 को पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। इन्वेलिड्स में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए हरविंदर ने फाइनल में पोलैंड के लुकाच सिस्सेक को 6-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 2024 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? ए फरवीजा फरहान, बी हयाओ मियाज़ाकी, सी कर्मा फुटशो, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। एक्सप्लेनेशन, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, इस अवार्ड से एशिया के उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साल 2024 में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भूटान के कर्मा फुटशो, वियतनाम की नगुयेन थी नगोक फ्यून, इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान, जापान के हायाओ मियाज़ाकी और थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को प्रदान किया गया। इनके कार्यों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।